वाराणसी के अंदर काशीनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया। मेरे प्यारे साथियों, एक कॉरिडोर बनाने के लिए 168 छोटे छोटे मंदिरों को उजाड़ने का भी काम किया। उसमें कितने रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार गया, उसमें कितने गरीब लोगों के मकान टूटे, वो इन सब की बात नहीं करते। अगर अपना सुरक्षा और सम्मान चाहिए तो बहन जी की सरकार बनानी पड़ेगी। आज देश का किसान बहुत दुखी होकर जाट समाज का पूरा समर्थन परमादरणीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को मिलने जा रहा है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परिवर्तन का समय है, चुनाव का समय है, इस बार परिवर्तन होके रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो 2007 से 2012 तक बहुत ही उत्तम काम करके इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था, मैं आपको बता दूं कि आपको दोबारा से बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करके, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर बटन दबा करके, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इस बार ब्राह्मण, दलित, जाट और मुस्लिम गठजोड़ हो चुका है। इन सभी संप्रदाय के लोगों को बहन जी का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बहन जी के शासन में न कभी दंगे हुए, न कभी कोई अनीति हुई, न कोई भ्रष्टाचार हुआ, ना कोई बेरोजगार हुआ। इस सरकार में यह संवेदनहीन सरकार है। इन्होंने जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया था। इन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बहुत अच्छा लगा था सुनने में, देखने में, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि देश की एक एक संस्था, एक एक सरकारी संपत्ति को ये चुन चुन कर बेच रहे हैं और देश को गुलामी की तरफ ले जाने के साथ साथ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। अब वो किसी से 15 लाख रुपए के खाते में जमा कराने की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो जिस देश का रुपया गिरता है, उस देश की प्रधानमंत्री की साख गिरती है, इज्जत गिरती है, ऐसी बातें नहीं करते। अब वो देश की गिरी हुई जीडीपी पर मुंह नहीं खोलते। अब वो देश में हो रहे बलात्कारों व अत्याचारों पर बात नहीं करते। अब वो दागी मंत्रियों व नेताओं पर बात नहीं करते। अब वो जमाखोरी पर बात नहीं करते। अब वो मिलावटखोरी पर बात नहीं करते। अब वो रिश्वतखोरी पर बात नहीं करते। अब वो बुलेट ट्रेन की भी बात नहीं करते। इन्होंने हमको बुलेट ट्रेन का सपना दिखा करके, जो सरकारी ट्रेनें थी उनको भी बेचकर प्राइवेट ट्रेन करके, हमारी जो सरकारी ट्रेनें थी उनको भी हमसे छीनने का काम किया है। साथियों, अब वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं करते। अब वो 1 किलो चना, 1 किलो नमक, 5 किलो आटे की बात करते हैं। अब वो सबको शिक्षा, सबको रोजगार की बात नहीं करते। अब वो डीजल और पेट्रोल की बात नहीं करते। अब वो गैस सिलेंडर के आए दिनों बढ़ते दामों पर बात नहीं करते। साथियों, अब वो रेलवे व अन्य यातायात साधनों पर बढ़ते किराए पर बात नहीं करते। साथियों, अब वो हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा करने की बात नहीं करते, क्योंकि अब इन्होंने हवाई जहाजों को और एयरपोर्टों को भी बेचने का काम किया है। अब वो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ऐसी बातें नहीं करते। अब वो खाद्य पदार्थों पर बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर भी बात नहीं करते। अब वो बढ़ती हुई महंगाई पर मौन व्रत धारण किए हुए हैं। अब वो देश में बढ़ती बेरोजगारी पर भी बात नहीं करते। अब वो साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं करते। अब वो जनता को राहत देने की बात नहीं करते, ना ही उस पर मुंह खोलते हैं। वो सिर्फ 1 किलो चना, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल, 5 किलो आटा देने की बात करते हैं। अब वो सबको न्याय की बात नहीं करते। अब वो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात नहीं करते। अब वो 1 के बदले 10 की बात नहीं करते। अब वो बात करते हैं भाई से भाई को लड़ाने का, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का, जातिवाद का, पाकिस्तान का, शमशान का, कब्रिस्तान का, कि वो इस तरह की बातें करते हैं।
साथियों, मेरे कुछ भाई कहते हैं कि उन्होंने वाराणसी के अंदर काशीनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया। मेरे प्यारे साथियों, एक कॉरिडोर बनाने के लिए 168 छोटे छोटे मंदिरों को उजाड़ने का भी काम किया। उसमें कितने रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार गया, उसमें कितने गरीब लोगों के मकान टूटे, वो इन सब की बात नहीं करते। साथियों, परिवर्तन का समय है। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए अगर अपना सुरक्षा और सम्मान चाहिए तो बहन जी की सरकार बनानी पड़ेगी। आज देश का किसान बहुत दुखी होकर जाट समाज का पूरा समर्थन परमादरणीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को मिलने जा रहा है। आज ब्राह्मण समाज की जितनी तादाद में हत्याएं हुई हैं, यहां तक कि खुशी दुबे को भी इन्होंने जेल में डालने का काम किया, जिसके अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। वो ब्राह्मण, उसका इतना दोस्त था कि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। ठीक है, उसके पति गलत मुलजिम हो सकते हैं, लेकिन उस बेचारी 16 साल की लड़की का, जिसके अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए थे, उसका क्या दोस्त था जो इस संवेदनशील सरकार ने, इस संवेदनहीन सरकार ने, इस जातिवादी मानसिकता की सरकार ने उस ब्राह्मण की बेटी खुशी देवी को जेल में डालने का काम किया। साथियों, ब्राह्मणों की आज इतनी ज्यादा हत्याएं हुई कि चुन चुन कर ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराया गया। साथ ही ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंसों की इंक्वायरी की गई, ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी की इंक्वायरी की गई। यही बात खत्म नहीं होती है साथियों। मेरे किसान भाइयों ने, 700 से ज्यादा लोगों ने धरने में धरना दे करके बॉर्डर पर 700 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी। इनको उनकी गिनती और आंकड़े तक नहीं मालूम। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि उनकी शहादत में एक मिनट का मौन व्रत धारण कर लेते, आधे दिन के लिए झंडे को आधा गिरा देते, साथियों उनकी शहादत के लिए एक मोमबत्ती जला लेते, एक दिन की छुट्टी कर लेते। उल्टा और किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, आंदोलनजीवी कहा और जाने क्या क्या आप शब्द कहे। किसान पूरी तरह इनसे नाराज है और किसानों की उत्तर प्रदेश में जो तादाद है वो एक अच्छी खासी तादाद है जो जाट समाज से आती है। जाट समाज पूरी तरह हमारे जाट नेता माननीय धर्मवीर चौधरी जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से माननीय सतीश चंद मिश्रा जी, माननीय नकुल दुबे जी, माननीय अरुण द्विवेदी जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है। दलित समाज के ऊपर इतना उत्पीड़न हुआ है, इन्होंने दलित और ब्राह्मणों को एक नजर से देखते हुए दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार किया। बहुत ही नशंस घन घोर आपत्ति में उनके साथ कुकृत्य किया, जिसको कि उसके बाद मिट्टी का तेल जलाकर लगा डालकर आग लगाने का काम किया। न यहाँ कोई न्याय है, न शासन है, न प्रशासन है, यहाँ जंगल राज हो चुका है। योगी, माननीय योगी जी ने जो गाय छोड़ दी थी, उनको किसान खेतों में रखवाली करते करते पूरी रात बैठा रहता है, पूरे दिन वो किसी काम के लायक नहीं रहता। इन्होंने सबको बेरोजगार कर दिया है। देश के नौजवानों को इन्होंने कटोरा देने का काम किया है, लाइन में खड़ा कर दिया है। छात्रों के लिए स्कूल बंद हैं, शिक्षा के मंदिर बंद हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए और इन्होंने झूठे वादे किए, झूठे इरादे किए। इनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। अगर देश में, प्रदेश में सुशासन चाहिए, प्रदेश में कानून का राज चाहिए, प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज चाहिए, प्रदेश में संविधान का राज चाहिए, तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को विजयी बनाकर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, विनम्र अपील है कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर परम आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं और राम राज्य स्थापित करें, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करें। आप सब लोगों से अपील है, बारंबार अपील है कि 5वीं बार
अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, आदरणीय बहन जी की सरकार बनती है, आदरणीय बहन जी उसकी मुख्यमंत्री होती है, तो एक कानून द्वारा कानून का राज स्थापित होगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा समझना है, ऐसा मेरा सोचना है। 2007 से 2012 की सरकार में हर हाथ को काम, हर शरीर को सुरक्षा, हर महिला को सम्मान, हर व्यापारी की सुरक्षा, हर किसान का सम्मान, हर किसान की समस्या का समाधान हुआ है और सब पूरे देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम कायम राज कायम हुआ है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।